अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं इबादुल्ला खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक दफ़ा फिर नेशनल स्टेडियम कराची से, जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 5 की तैयारियां चल रही हैं। क्या क्या तैयारी चल रही हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं ग्राउंड में मौजूद हूं और यहां पर लश ग्रीन घास और पिचेस की तैयारियाँ जारी हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा और उसके बाद आगे चलता हूँ और दिखाऊँगा कि वहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। हैं कुछ कैमरों की, स्पाइडर कैम मैंने आपसे कहा था ना, स्पाइडर कैम लगेगा, तो इस टावर पे ऊपर यहाँ काम शुरू हो गया है। आपको शायद नज़र ना आ रहा हो लेकिन मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त, इस टावर से इस स्पाइडर कैम के लगाने का आगाज़ हो गया है और पूरे फ्लड लाइट्स टावर जो हैं उनके ऊपर इस स्पाइडर कैम के लगाने के लिए जो है वो जो वायर होती है ख़ास किस्म की वो लगाई जाएगी, और जिसके ज़रिए टीवी के ऊपर आप घर पर बैठकर इस स्पाइडर कैम से खूबसूरत नज़ारे देख सकेंगे। आप परेशान हो गए ना कि मैं कहाँ बैठ गया हूँ, ना मैं कहीं जा रहा हूँ ना किसी को, मुसाफिर को कहीं लेके जा रहा हूँ, और इस वक्त ये नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं रक्षे, और ये नहीं पता कि यहाँ इसमें क्या होगा। हो सकता है जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर कोई यूनिक सी चीज़ होती है उसके ऊपर प्लेयर्स को बिठा के लाया जाता है, पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया जा सकता है।
तरह से तैयारियां चल रही हैं और इस वक्त सुबह सुबह का टाइम है, तो लोगों ने अपनी जो यहाँ पर अपने अपने काम हैं वो स्टार्ट कर लिए हैं और शाम तक जिस तरह से तैयारियां होती जाएंगी मैं आपको दिखाता जाऊंगा। ये स्टेज बनाया जा रहा है, स्टेज के ऊपर काम हो रहा है, यहाँ पर जो है वो एक्टर्स और जो गुलकार हैं और जो परफॉर्मर्स हैं वो अपना जलवा दिखाएंगे। पूछा था कि डिजिटल बाउंड्री बनेगी या नहीं बनेगी, तो जनाब सुन लें, देख लें, बल्कि ये डिजिटल बाउंड्री बन रही है, काम शुरू हो चुका है और कल तक ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और मुमकिन तौर पर आज ही शायद मुकम्मल कर लिया जाए, क्योंकि कल सिर्फ आखिरी दिन है और कल होने जा रही है ट्रॉफ़ी की अनवीलिंग। जी हाँ, कल ट्रॉफ़ी की अनवीलिंग है नेशनल स्टेडियम में और जो पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन की ट्रॉफ़ी होगी और ये तो वक्त बताएगा कि वो ट्रॉफ़ी किस टीम के पास जाती है। हमारी दुआएं तो सारी टीम के साथ हैं, तमाम टीम्स को सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का पूरा मेला, तमाम मैचेस पाकिस्तान में जो होने जा रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, खुश आइंद है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो मैसेज जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान बहुत सेफ है खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए, और बस ज़रूरत है तो इंटरनेशनल टीमों की पाकिस्तान आने की। जैसे वक्त गुजरता जा रहा है गहमा गहमी नेशनल स्टेडियम में बढ़ती जा रही है, सिक्योरिटी इदारे हों या यहाँ पर काम करने वाले मजदूर और जो क्यूरेटर्स हैं, जो ग्राउंड स्टाफ हैं, उनकी भी जो है वो जो मेहनत है वो बढ़ती जा रही है, काम बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये कांगी, ये डिजिटल स्क्रीन है जो यहीं पर ही लगी रहेगी और इस इंक्लूजर में 2000 लोगों के बैठने की जगह है, जो मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूं, ये इंक्लूजर ऐसा ही खाली रहेगा और ये इसको हटाने का अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं और लगता है कि किए भी नहीं जाएंगे। तो मैंने आपको ग्राउंड के अंदर की सारी तफसीलात बताई, ग्राउंड के अंदर जो इंक्लूजर्स हैं, ग्राउंड है और जो ओपनिंग सेरेमनी का स्टेज है और जो परफॉर्मर्स हैं उनके बारे में तो मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं, वो जो नए देखने वाले हैं वो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं और उससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। और ग्राउंड के बाहर क्या हो रहा है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, उस वीडियो का इंतज़ार करिएगा। और नेशनल स्टेडियम कराची से अल्लाह हाफिज़।